Find the length of perpendicular drawn from point 1, 3, 4 to the plane 3x minus 2y plus 6z plus 4 equal to 0. एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 3, 4, ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स का, और एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 4 इक्वल टू 0, और इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है डी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तुम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट दिया हुआ x1 y1 z1 और प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है, देन इन दैट केस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की और डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ 3 इंटू कितना, एक्स की जगह पे कितना रखे देंगे, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, माइनस 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है 3 है, इंटू 3 प्लस 6 इंटू जेड कोऑर्डिनेट है 4 है, 4 प्लस 4। ये फॉर्मूला अगर देखेंगे इसको तो यही इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस वन ओनली डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशेंट के स्क्वायर्स 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर इक्वल टू मॉड कितना हो गया 3 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 24 प्लस 4 मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये हो गया 9 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 24, 21 हो गया, 21 प्लस 4, 25, ऊपर में 25 हो गया, नीचे में अंडर रूट 9 प्लस 4, 13 एंड 36 ये हो गया 49 इक्वल टू हो गया 25 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से 1, 3, 4 से इस प्लेन पे। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया आपके आंसर्स।